अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी चिकन मायो रोल। जी हाँ, आप इसे चिकन चीज़ मायो रोल भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी होते हैं, ये देखिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन मायो रोल। चिकन मायो रोल बनाने के लिए मैंने ली हूँ 250 ग्राम्स चिकन और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन और एक छोटा चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के इसे मैंने पहले बॉईल कर लिया और फिर इसको मैंने श्रेड कर लिया। चॉपर में मैंने श्रेड किया है, आप चाहें तो मिक्सी में डालकर या अपने हाथों से भी चिकन को श्रेड कर सकते हो। और ये मसालों में मैंने ली हूँ एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची कुटी हुई, एक छोटा चम्मच सोया सॉस और आधा छोटा चम्मच नमक। इसमें बहुत ही कम मसाले डाले जाते हैं तो इतने मसाले काफ़ी हैं। और इसके साथ ही हम लेंगे मायोनीस जो इसका अहम इंग्रेडिएंट्स है, तो मैंने ली हूँ तीन बड़े चम्मच मायोनीस। और उसके साथ ही तीन बड़े चम्मच मैंने ली हूँ चीज़। चीज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये मेरी प्रोसेस चीज़ है। अब ये मैंने बोल में डाली बॉयल चिकन, बॉयल एंड श्रेडेड चिकन, और उसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची कुटी हुई, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, नमक आधा छोटा चम्मच क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, और इसके साथ ही हम उसमें डाल देंगे मायोनीस। अगर आपके पास रेड चिली क्रश की हुई ना हो, कुटी हुई लाल मिर्ची ना हो, तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इसमें भर के तीन बड़े चम्मच डाल दिए मायोनीस, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चीज़। ये चीज़ जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो चीज़ के बगैर भी आप इसे बना सकते हो। मैंने यहाँ प्रोसेस चीज़ इस्तेमाल की है, आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो या इसे स्किप भी कर सकते हो, यानी इसके बगैर भी ये रोल बन सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये हमारा बैटर तैयार है। अब ये देखिए, मैंने ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश होना इसका बहुत ही ज़रूरी है, अगर ब्रेड आपका फ्रेश नहीं होगा तो ये रोल अच्छे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ब्रेड की साइड्स को निकाल देंगे, ये देखिए, और इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसका हम ब्रेड क्रम बाद में बना लेंगे। देखिए ब्रेड क्रम बना लेंगे इसका हम। अब ये फ्रेश मेरा ब्रेड का स्लाइस है, इसीलिए देखिए बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा क्योंकि फ्रेश ब्रेड जो है सॉफ्ट होता है। तो इसे हम जो है हल्के हाथों से बेल लेंगे, ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से फ्रेश ब्रेड जो है बेल जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह हम रोटी बेलते हैं इसी तरह हम इसे बेल लेंगे। इसकी साइज़ जो है थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ये देखिए, देखा आपने कितनी आसानी से ये बेल गया और थोड़ा बड़ा भी हो गया। इस तरह हम तमाम ब्रेड के स्लाइस को तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने ये ब्रेड का स्लाइस जिसे बेल चुकी हूँ, इसके ऊपर हम एक बड़ा भर के चम्मच डालेंगे चिकन का बैटर। आप चाहें तो इस बैटर के अंदर थोड़ी सी वेजेस भी मिला सकते हो, जैसे कि कैप्सिकम या स्प्रिंग अनियन, प्याज मिला सकते हो, लेकिन मैं इसके बगैर ही इसे बना रही हूँ। बड़े ही ये अंदर से सॉफ्ट टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके किनारों पे पानी लगाया ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए, और यहाँ पे भी हल्का सा पानी, और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह इसको चारों तरफ से हम सील कर देंगे, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। ये मैंने इसको सील कर दिया, अब इसे हम साइड में रखेंगे, बाद में इसकी हम कोटिंग करेंगे। इस तरह हम तमाम ब्रेड के रोल तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने अंडों के अंदर थोड़ा सा दूध डाला, तकरीबन दो चम्मच दूध डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया। तो अब इसे हम अंडे में डिप करेंगे और फिर इसे हम ब्रेड क्रम से कोट करेंगे, ये देखिए, बस इसी तरह गोल
इसे हम राउंड घुमा लेंगे। सूखे हाथ का इस्तेमाल करेंगे ताकि ब्रेड क्रम हमारे हाथ पे ना चिपक जाए। पूरा इस तरह से अलट पलट करके चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से हम इसे कोट कर देंगे। तो जितने भी इसकी कॉर्नर्स है जो सील किए थे हमने, वहाँ पे अच्छे से लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा तैयार है ब्रेड रोल। इसी तरह हम तमाम रोल्स को तैयार कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसे अंडे में डिप किया और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। ये देखिए बहुत आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे बार बार ज़िद करते हैं इसे बनाने की। तो ये देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से अच्छी तरह से सील कर देंगे। अब मैंने तेल गरम करने रख दिया है, इसे हम बिल्कुल अच्छे से गरम तेल में तलेंगे। तो चलिए अब हम तेल की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये मैंने पूरे कंप्लीट बना लिए हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह अब फ्रीज़र में एक घंटा रख दें, जब ये थोड़े सख्त हो जाए तो उसे कंटेनर में डालकर पैक कर दें। अब ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पर, इसे हम फ्राई कर लेंगे। बाकी के ब्रेड रोल मैं फ्रीज कर रही हूँ और फिलहाल मैंने इतने तल लिए हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से तले जाते हैं। इसे अलट पलट करके बिल्कुल गोल्डन रंग आने तक हम फ्राई कर लेंगे। फ्रीज करने के लिए मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आप इसे एक खुली प्लेट में रख के फ्रीज़र में एक से दो घंटे रख दें। जब ये थोड़े सख्त हो जाएं तो फिर आप जिप लॉक बैग में या किसी कंटेनर में डालकर अपने फ्रीज़र में आप इसे फ्रीज कर सकते हो और जब दिल चाहे निकाल के इसे फ्राई कर सकते हो। तो ये देखिए बड़े ही अच्छे रंग आ रहा है इसका। बस गोल्डन रंग आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये हल्के से थोड़े से फूलने लगेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ डाली हुई है। आप इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये देखिए ये कितना अच्छा रंग आया है इसका। बस इसी तरह हम तमाम ब्रेड रोल को अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने एक ब्रेड रोल लिया और इसे हम कट करके भी आपको बता देते हैं कि ये अंदर से किस तरह दिखते हैं या खाने में टेस्टी कैसे होते हैं। तो ये मैंने इसे कट किया, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और गर्म भी है। ये देखिए अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इसमें हमने मायोनीस और चीज़ डाला है। बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर से जूसी से होते हैं। तो बच्चे आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।